Hello friends, my name is Priyavrat Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. আমি বিগত দুইটা ভিডিওতে আমি ড্যাফোডিলস আৰু সাম অফ লাইফ ৰ কোন কৰিছন্তি না এমসিকিউ কৰিছন্তি আজিৰ এই যে ভিডিও আছে দা ৱালাৰ অফ ফাদার গিলিগান ৰে আমি এমসিকিউ কৰিবা আৰু কিছি মাত্ৰাৰে তিনি মার্কে যে কোৱেশ্চন আছে আমাৰ পৰিব তিনিটি নও মার্ক তা ওপৰ মধ্যে আমি ডিসকাশন কৰিবা তেনু বিলম্ব কৰিবা নে আৰম্ভ কৰিবা দা ৱালাৰ অফ ফাদার গিলিগান ৰ কোৱেশ্চন তিনি মার্কে আৰু তাৰ এমসিকিউ মধ্যে কৰিবা তো प्रथम क्वेश्चन होची द गिलिगन्स पैड इज वेयर टॉयलिंग इन द फील्ड सफरिंग फ्रॉम एन एपिडेमिक एंड दे इज नोडिंग देयर चेयर्स होची गिलिगन कर पीटर गिलिगन कर तांकर जो तांको चर्च अंडर रहउतबा लोक माने कोन करथले क्वेश्चन आछी कोन ना तीनटा आपन को पे ऑप्शन अछि गोटेला से माने टोलिंग इन द फील्ड आउ गोटेला सफरिंग फ्रॉम एन एपिडेमिक आउ गोटेला नोडिंग देयर चेयर्स ताले से माने कोन करथले ना सफरिंग फ्रॉम एन एपिडेमिक गोटे एपिडेमिक रे से माने सफर हो थिले राइट ताले एठे हो बी बी हला हमर आंसर प्रथमटा द ओल्ड प्रिस्ट वाज देखि ओल्ड प्रिस्ट कोन थिले एनर्जेटिक थिले ना फ्रेश थिले ना वेरी थिले ओल्ड प्रिस्ट वाज एनर्जेटिक ना फ्रेश ना वेरी इटा आंसर हबो वेरी आपण मन को रिक्वेस्ट करबी आपण माने भी निज निज आंसर जस्ट कमेंट बॉक्स दे चलंतु लास्ट को कैलकुलेट करबा कहार कते ठीक होची भूल होची नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड फ्लॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम मींस कोन एटी फ्लॉक कहले आमी कोन बुझुचंती flock of sheep sparrows na people in the parish ethi half of his flock ta mane people in the parish right now next question ku jiba the expression green swords refer to the expression green swords kon refer karuchi एर दीची ग्रेप्स कवर्ड ओवर बाय द ग्रीन ग्रास जो ग्रेप मनुष्य समाधि जो ग्रीन ग्रास अंडर कवर करा जाउ की द स्टार्स इन द स्काई एंड द पीपल इन द पैरिस एटे हबो ग्रेप्स कवर्ड बाय ग्रीन ग्रास व्हाट इज रेफर्ड टू एज मॉथ आवर ऑफ एब एब मींस एटी मॉथ आवर ऑफ एब माने कहले कोन बुझचंती डॉन ना नून ना इवनिंग कोटा हबो डाउन ना नून ना इवनिंग कोटा हबो मॉथ आवर ऑफ एव जो मन कर डाउट रहउची मु कहि दउची डाउन मींस पाहांता समय पाहांतार मॉथ को डाउन को जाय आउ नून माने खरा बेळ आउ इवनिंग इवनिंग रो मॉथ और मींस जोरा में एव मींस जति इवनिंग जस्ट पूरा राती नहु कि पूरा दिन नहु जो मझी समयटा तो एटी जे तो हम पखरे आ अदर किछ ऑप्शन नै हम एटी कोन करबा इवनिंग करबा तो मॉथ आवर ऑफ एफ एफ मींस एटी इवनिंग राइट नेक्स्ट जीबा आगु जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि आपनकर फादर गिलिगन डिड नॉट गो टू लेडीज हाउस बिकॉज़ फादर गिलिगन गल्ले नाही लेडी रो घर को कोन पई सी डिड नॉट पे से पेमेंट कला नाही तांकू फादर गिलिगन वाज बिजी से बहुत व्यस्त थिले ही वाज अनहैप्पी से दुखी थिले गिलिगन वाज टायर्ड एंड वेरी एटी आंसर हबो गिलिगन वाज टायर्ड एंड वेरी से टायर्ड थिले क्लांत थिले तेनु जाई परले नाही नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल वेयर डाइंग बिकॉज ऑफ गैस लोक माने काहे की मरुथले वार एपिडेमिक सिविल वार प्रॉपर्टी इश्यू वार माने युद्ध एपिडेमिक माने महामारी सिविल वार माने गोटे जो युद्ध हुए से भलिया आ प्रॉपर्टी इश्यू मींस संपत्ति रो इश्यू ताले थे हमर हबो एपिडेमिक तांको एरिया रे को एपिडेमिक व्यापीतला फल रे लोक माने मरु थिले अगेन फादर गिलिगन वाज हेल्प बाय कहांक द्वारा संकु सहाय्य करा जाई थिला लेडी another priest
गॉड थ्रू एन एंजल आउ ऑल ऑफ द अबव कहा द्वारा सहाय्य कराइला गॉड थ्रू एन एंजल भगवान तांकर जने एंजल को माध्यम रे तांकू सहाय्य करी थिले मौत कौन गोटे एनिमल ना गोटे इंसेक्ट ना एक प्रकार डिजीज ना एसब कौटा नुहे चला क्वेश्चन एटा मौत कहले एसब कौटा नुहे राइट आगो को जीवा ग्रीप मीन्स कौन ग्रीप ना गिप ना फील इंटेंस सोरो ऑल ऑफ द अबव दुख अनुभव करिबा आर दिस फादर वन ग्रेव जोटा फील इंटेंस सोरो द बालाड ऑफ फादर गिलिगन इज रिटन बाय कहा द्वारा लिखा जाय छि बालाड ऑफ फादर गिलिगन विलियम वाटसोर्थ एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो डब्ल्यू बी येट्स आउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आंसर हबो डब्ल्यू बी येट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आपणकर व्हाई डिड द पुअर मैन सेंड फॉर फादर गिलिगन काहीं की पुअर मैन फादर गिलिगन को डकी पठेला सो दैट ही कुड रिसीव द लास्ट सैक्रामेंट बिफोर डाइंग सो दैट हिज सोल वुड बी ग्रेस्ड एंड ही कुड गो टू हेवन सो दैट ही विल बी क्योर डकले से भलो कर देबे सो दैट ही विल मीट द फादर हु विल ब्लेस हिम फॉर गुड हेल्थ फादर को डकले तंको भलो हेल्थ मिलबो ना ए सब कोटा नहीं माय डियर फ्रेंड्स एटी प्रथमटा हबो दाहर मीनिंग से तो लास्ट तंकर शेष समय रे रिचुअल को परफॉर्म कले तंकर आत्मा जाई कि उठ के जीवो ना स्वर्ग को जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू थिंक फादर वाज नोडिंग ऑन द चेयर इन द इवनिंग आवर आही कि आपन को लागु कि संध्या बेलटा रे फादर इवनिंग टारे चेयर ऊपर नोडिंग करतले स्लीपिंग आज यूजुअली ड्यूरिंग इवनिंग इवनिंग रे सोंती सब बेले तेनु सोतले आ टू प्रे प्रार्थना करिया पई बिकॉज़ बाय इवनिंग ही वाज टायर्ड एंड वाज डोजिंग ऑफ टू स्लीप कारण संध्या सुधा से टायर्ड हि जाइतले आ सोइबा पई तंको नींद लागुतला बहुत क्लांत लागुतला सोइबा पई ना ई सब अंक ऊपर जहाज सब सिया नै सी टा होवार आंसर तंको टायर्ड लागुतला आ तेनु से सोइबा पई जाउतले नेक्स्ट क्वेश्चन What does the line upon the time of sparrow creep means? Sparrow creep माने कौन? Upon the time of sparrow creep माने कौन? It refers to evening hours when the birds such as sparrows twitter. It refers to the early morning hours when the birds such as sparrow twitter. It refers to the noon अरे संध्या ना सकाळ ना खराब बेळ जोथरे sparrow माने चिरुपिंग करंती तले एठी हबो सकाळ भोर इट रेफर्स टू द अर्ली मॉर्निंग आवर्स व्हेन द बर्ड्स सच एज स्पैरो कौन करंती ना ट्वीट करंती नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन जीबा व्हेन यू वर गॉन ही टर्नड एंड डाइड एज मेरी एज अ डैश जेतेबेले आपण गले से टर्नड आउट डाइड कहा भलिया एज मेरी एज अ डैश एंजल प्रीस्ट बर्ड फीदर आज मेरी आज बार आपण मन को बही पोएम को मन रखियो पड़िबो कारण आग भलिया हमको पैसेज मिलु नाही होप ए 15 टा क्वेश्चन आपण माने बुझी सालिनि जेता भीतर को डाउट अछि लेखंतु एनी डाउट एनी न्यू क्वेश्चन भी आपण मते पचारि पारिबे नोट अन इशू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस द सेम एज मून एठी एक्स्ट्रा देनी बट हमको बाहर करियार अछि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द स्टार्ट न करके हमें कौन करबा ए पोएम मोन मींस सोरो पुअर ग्रेव नॉन ऑफ द अबव दुख दुखी करबा पुअर करबा ग्रीव एडी ग्रीव टा बेटर लागु छी आपन को ग्रेव और सोरो भितरे द्वंद आसी परे तेनु ग्रेव लिखिबे राइट व्हेन यू डैश अ बर्ड ए जो अछि व्हेन यू वर गॉन डाइड एज मेनी एज अ बर्ड ए वार्ड गुड़ी को किए कहिले पुअर मैन कहिले ना फादर गिलिगन कहिले ना पुअर मैन वाइफ कहिले ना गॉड कहिले इटा पुअर मैन वाइफ कहिले कटे हबो क्वेश्चन नंबर सी एटा हबो सी टा हबो आंसर ये गला हम 17 टा क्वेश्चन आलोचना कले एमसीक्यू
আগামী দিনরে আহুরি মধ্যে আলোচনা করিবা। এবে কিছু তিন মার্কা অল্প কিছু কোশ্চেন আমি ডিসকশন করিবা। প্রথম কোশ্চেন, ওয়াই ওয়াজ ফাদার গিলিগান ওয়েরি নাইট অ্যান্ড ডে, কাহিঁকি ফাদার গিলিগান নাইট অ্যান্ড ডে দিন রাতে কাহিঁকি ওয়েরি থিলে। মু কোন আনসার লিখিলি না ফাদার গিলিগান ওয়াজ ওয়েরি নাইট অ্যান্ড ডে বিকজ হাফ অফ হিজ প্যারিশনার্স ওয়ার ইদার সিক অর বেড, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଇଦର ସିକ୍ ଥିଲେ ନହେଲେ ମରିଯାଉଥିଲେ। ହି ହାଡ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ ହିଜ୍ ପ୍ରେସ୍ଲି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦିନ ରାତି ତେଣୁ ସିଏ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ନାଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲକ୍, ଫ୍ଲକ୍ ୱାର୍ଡର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ? ଫ୍ଲକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ ଯାହାର ମିନ୍ ହେଲା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିପ୍, ସିପ୍ ମାନଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍। ଏଠି ଇନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଦ ପ୍ୟାରିସ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଦ ସେଫର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ୟାରିସନର୍ସ ଆର୍ ଦ ଫ୍ଲକ୍ସ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଯଦି ମିନିଂକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧା ପାଇଯିବେ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିପ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଫ୍ଲକ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଆ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନାଉ why were the flock either in bed or lying under green shore, kahin ki either bed thile nohle green shore under re lie mane mori jaithile। his flock were either in bed or lying under green shore because an epidemic had hit the parish, gote lokomanku kon heitla na epidemic gote heti kon heitla hit kartla, people were sick and dying, ଲୋକମାନେ ଆଇଦର ସିକ୍ ଥିଲେ ନହେଲେ ମରିଯାଉଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର କୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଆନଦର ମ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ଫର ଫାଦର ଗିଲିଗାନ, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ହାଜ୍ ପୁଅର, କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠେଇଲା ଡକେଇ ପଠେଇଲା ଫାଦର ଗିଲିଗାନକୁ, ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୁଅର ବୋଲି ରେଫର କରାଯାଇଅଛି। Father Gilligan was needed to give the sick man his sacrament of anointing the sick. He is referred to as poor because he is poor in soul. She atmare poor thila, a person with sin, papo korthwa loko is supposed to be poor in soul as he will not get heaven if he dies in a state of sin. Jodi semti papo papi atmara soito mari gala tahale heaven ku jae nahi, eha ek pratha, eha ek lokomanankar ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଟାଇପ୍ର, ତେଣୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଦରଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ୍ ସିକ୍ ଫର୍ଗିଭନେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ହ୍ୱାଟ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଡଜ୍ ହି ଗିଭ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏରାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍, କାହିଁକି ଫାଦର ଗିଲିଗାନ୍ ଫର୍ଗିଭନେସ୍ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଏରାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଗ ବର୍ଷ ନ ଭାବିକି, ସେ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଫାଦର ଗିଲିଗାନ୍ ସିକ୍ସ ଫର୍ଗିଭନେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ବିକଜ୍ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଜଣେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଦ ସିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଶେଷ ଏଇସବୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବା। But he is too tired to go, bahut kaanto thile, the justification he gives for his errant words is that the words were spoken by his body and not himself, kale so kon justification itle eha mo body ra shabda mo sharir ra je katha kouchi mu kahu nahi mu kaam kariba pai ready achi kintu mo sharir mate allow karu nahi। next question ku jiba, jo mane e porjanto video ti dekhuchanti ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ସେଭଳିଆ କରିବେ ନଟା ନିଶୁ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିକ୍ସ କୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ କଲ୍ଡ ମଥ ଆୱାର, କାହିଁକି ସମୟକୁ ମଥ ଆୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଲି ଇଭିନିଂ ଆଣ୍ଡ at this time moths are seen in large numbers, moth gudiko jo adhika number re dekha jaanti pura bo early evening re dekha jaye, tenu taku
मथ आवर बा गोधुली समय आमे कहंती। व्हाट इज मीन्ट बाय अपॉन द टाइम ऑफ स्पैरो चिर्प आगु आमे आंसर रे डिस्कशन करले इट रिफर्स टू अर्ली मॉर्निंग व्हेन स्पैरो स्टार्ट चिर्पिंग जेतेबेले स्पैरो माने टे चटर तांगर बोबेबे आरंभ करंती। व्हाट डज द लाइन एंड रोड विथ लिटिल केयर इंडिकेट एंड रोड विथ लिटिल केयर जो लाइन अछि सेटा कोन इंडिकेट करूछि एडी ही माने फादर गिलिगान रोड वेरी फास्ट बहुत फास्ट चढ़िले गाड़ी ए जो तंकर घोड़ा को चलेले जोटा कि रेकलेसली आग पछ न भाबिबा डेंजर विषय न भाबिबा रेकलेसली ही हैड फेल्ड टू गो व्हेन द कॉल केम एंड नाउ ही इज रशिंग टू रीच द सिक मैन एज पर काजिकान जेतेबेले डॉक्टरटा आसीतला से समय रे जाई परले नै किंतु आजि पछरे चाहूचंदी केते जल्दी जाए कि पहुंची जिबे बोली तंग मन रे थिवो काले बंची जिवो कि बंची थिवो जदि मु कर्मटिक करबी। क्वेश्चन 9 व्हाई इज द सिक मैनस वाइफ सरप्राइज्ड टू सी फादर गिलिगान काहे कि सिक मैन नो वाइफ फादर गिलिगान को देखी सरप्राइज हे गला द सिक मैनस वाइफ सरप्राइज्ड वा सरप्राइज टू सी फादर गिलिगान because she thought he had come earlier and given the last sacrament to her dying husband karan she tanku lagila she bhabitle ki ye asi jaitile asiki alpa samay aguru asiki kon karchanti tanko husband ko moriba purburu ye jo tankaro jete sabu jo karya sabu sariki jaitile boli in fact it was an angel that came earlier and not father gilligan actually yaha thila bhagwan ko tara prerit ek angel father gilligan asina thile te kintu esob jani nathile she did not know that now my dear friends this is the last question why was the priest overcome with grief at the words of the widow ye jo widow ba jahan ko husband chali gale tanko katha sun ki kahi ki priest कौन पाई ओवरकम विथ ग्रीफ तंग काहे के ग्रीफ लागला द प्रीस्ट वाज ओवरकम विथ ग्रीफ एट द वर्ड्स ऑफ द विडो बिकॉज़ सेतले कहिले नै से मरि गेलनी बोली तंग हस्बैंड जेतले कहिले विडो जणक विधवा जणक ता परे ये तंग मन पूरा दुख हे गला कारण ही हैड फेल्ड टू कम एंड डू हिज ड्यूटीज द मैन इज डेड से तंकर ड्यूटी संपादन करि पारी नथिले आउ लोकटी मरी जाई थिला। एठी रखुची आजिरो क्लास को खूब शीघ्र आउ एक क्लास आउ एक टॉपिक आनिबे आपण मानक पई एई भली भाव रे आपण माने सहाय्य करुथांतु वीडियो को देखुथांतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करंतु अन्य मानक सहित शेयर करंतु। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।